अयोध्या में राम जन्मोत्सव की तैयारी तेजी के साथ चल रही है। 17 अप्रैल को दोपहर ठीक 12 बजे प्रभु राम का जन्मोत्सव ऐतिहासिक और भव्य मनाया जाएगा। इसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट ने सभी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। खास बात यह है कि इस बार भगवान राम के जन्मोत्सव के मौके पर दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें भगवान रामलला के मस्तिष्क पर राजतिलक करती नजर आएंगी। इसको लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। वैज्ञानिकों ने दर्पण के जरिए सूर्य की किरण को भगवान के मस्तिष्क पर पहुंचा दिया है। यह किरण लगभग 4 मिनट तक रामलला की ललाट की शोभा बढ़ाएगी और ठीक रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे इसे भगवान श्री राम के मस्तिष्क पर तिलक करते हुए देखा जा सकेगा, जिसका आज पूरा अभ्यास हुआ है, यानी कि जिसका सफल प्रशिक्षण वैज्ञानिकों ने पूरा कर लिया है। अब राम मंदिर में राम जन्मोत्सव के दिन प्रभु राम के माथे पर सूर्यदेव तिलक करते नजर आएंगे। कैसा लगा? देखिए, ये प्रशिक्षण अभी है, अभी इसका जो प्रयोग होगा वो उस दिन होगा जिस दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, और इसीलिए अभी मात्र प्रशिक्षण है। और प्रशिक्षण में जैसा कि वैज्ञानिकों ने जो खोज किया, जिस प्रकार से प्रयास किया, वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि भगवान रामलला के ठीक लीलाड़ पर सूर्य का किरण जैसे दिखाई दे रहा है, जैसे मालूम होता भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं। और शास्त्रों में है, जब भगवान राम को यहाँ अवतार हुआ था उस समय भी मास दिवस का दिवस भा मर बन जाने कोई सूर्य भगवान 1 महीने तक यहाँ रुके हुए थे। तो वह अद्भुत दृष्टा उस समय का त्रेता युग का, और कि तो अब इस प्रकार का जो भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, विराजमान हो गए हैं, उनका भी दृश्य यह दिखाई देगा। यह दिखाई देगा रामनवमी के दिन भगवान राम जिससे जन्म लेंगे, और उसी दिन इसका प्रयोग किया जाएगा। अभी प्रशिक्षण है, अभी उसका सही रूप से कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह प्रशिक्षण बहुत अद्भुत है, दृश्य बहुत ही अद्भुत दिखाई देगा। महाराज जब कैसा लग रहा था उस दौरान? अरे, उस समय इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आया, और उस आनंद विभोर हो गए हम कि अरे ऐसा दृश्य है, मालूम भगवान राम त्रेता युगी राम हैं और उसी समय भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं, और यह दृश्य जो है अत्यंत अद्भुत और विलक्षण रहा।